के बाद लगातार भारत यात्रा बिहार झारखंड और फिर आज ये स्थिति, इस परिस्थितियों में मेरी स्थिति ऐसी बन गई कि मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद एक सप्ताह मुझे लगेंगे मेरे इन्फेक्शन को कम होने में। मुझे बोलने के लिए मना किया गया और मुझे लगता है कि मैं आपसे बात शायद ना कर पाऊँ, ये मेरे लिए सबसे दुखद क्षण होगा। अजय जी, आपसे बात करते रहेंगे, जो भी ज़रूरत हो आप मुझसे कहते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपके कामों में कमी नहीं होगी। मेरे लिए सुखद अनुभव ये है कि मेरा जीवन कभी किसी के काम तो आया। आज वो दिन याद आता है मुझे जब 9 दिन मैं अपने रूम में नहीं गया था और 21 दिन पटना की उस परले में अपने भाई बच्चों के लिए खड़ा था। यह मेरे लिए सबसे सुखद पल। जीवन ऐसे ही आता और जाता रहता है। जीवन अपना नहीं है, दूसरों का है। दूसरों के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए काम करें, परछाई की तरह उसके साथ खड़े रहें। निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा 3 महीना पहले ही आपको, 6 महीना पहले इन्फेक्शन लग चुका था, तो मुझे लगा चलिए किसी अच्छे कामों के लिए मैं बीमार पड़ा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ करिएगा। आप आशीर्वाद दें कि मेरी इंसानियत और मानवता जिंदा रहे। मैं इस मुल्क के राजनीतिज्ञों की तरह जानवर ना बनूं। आज जो हालात हैं मुल्क के, हमें लगता है कि पॉलिटिशियन जानवर बन चुके हैं। हमारी इंसानियत और मानवता को खोखला करती जा रही है और ये राजनीति क्या क्या करेगी कहना मुश्किल। मुझे लगा था कि मैं दिल्ली में भी अपनों के परेशानी के बीच काम करूं, घरें जले हैं, सब कुछ जले हैं, उसके लिए जीऊं और निश्चित रूप से मैं पहुंचूंगा। लेकिन आपसे अपील करता हूं, भारत के रिश्ते और वसुधैव कुटुंबकम को जिंदा रहने दीजिए। इस राजनीतिज्ञों के महापाप में मत फंसिए। आप हम एक हैं, भारत मेरा है, हमारा परिवार है। इन लोगों का कुछ नहीं जाता। ये लोग जानवर हैं, इंसान नहीं है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर ये लोग देश के इंसानियत और सबको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे क्षण में जब हमें आपके बीच रहना चाहिए, तो पता नहीं ईश्वर क्या मर्जी थी कि हम खुद ही उस काल चक्र के में आ गए। हम अपने लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हर लोगों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे दरोगा का, सभी लोग खड़े रहें और उनके जज्बात के साथ खड़े रहें। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, मैं सिर्फ आपका हूँ और मैं अपने आप में एक परिवार के रूप में आप सबको देखता हूँ। आप सब मेरे परिवार की तरह, और उसी रूप में आपके लिए काम करना चाहता हूँ।
आप आशीर्वाद दें, मैं जल्द ठीक होकर आपके बीच आऊँ। नमस्कार।